हेलो फ्रेंड, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल गेनर। फ्रेंड, आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन हैं सारे एप्लीकेशन के आइकॉन यहां पर मूवमेंट कर रहे हैं। मैं आपको स्क्रॉल करके और भी दिखा देता हूं, मेरे मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं सारे ऐप्स के आइकॉन यहाँ पर एनिमेट कर रहे हैं, जिससे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर फ्रेंड आपको भी ये पसंद आता है और आप भी ऐसा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम लॉन्चर लाइव आइकॉन्स फॉर एंड्रॉयड है। उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ जो टूल्स ऊपर में लिखा हुआ है उस पर टैप करना है और उसके बाद यहाँ एनिमेशन पर टैप करना है। और उसके बाद फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं उन सभी ऐप्स के आइकॉन हर वक्त एनिमेट करते रहें, तो ऑलवेज़ पर ही रहने दें। और अगर आप चाहते हैं कि जब जिस भी ऐप का नोटिफिकेशन आए तो सिर्फ उसी ऐप का आइकॉन एनिमेट करे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इवेंट नोटिफिकेशन है उसे सिलेक्ट कर देना है। इससे होगा क्या कि जब जिस भी एप्लीकेशन का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तभी उस एप्लीकेशन का आइकॉन यहाँ पर एनिमेट करेगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, कोई भी ऐप का आइकॉन यहाँ पर एनिमेट नहीं कर रहा है। तो मैं अपने दूसरे मोबाइल से व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज भेजता हूँ। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया तब व्हाट्सएप का यहाँ पर आइकॉन यहाँ पर मूवमेंट करने लगा, एनिमेट करने लगा। तो यहाँ पर आप दोनों तरह की सेटिंग कर सकते हैं फ्रेंड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल को भी प्रेस कर दें नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स।